नमस्कार जोहार, झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। सावधान हो जाइए, झारखंड के राजधानी रांची में कोरोना ब्लास्ट, 55 यात्री निकले कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में कोरोना का खतरा पूरी तरह टला नहीं है, एक बार फिर झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। कल शनिवार को 55 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी यात्री तबिशुनी एक्सप्रेस और राउरकेला पैसेंजर से हटिया स्टेशन पर उतरे थे। इस दौरान जांच की गई तो 1508 यात्रियों में 55 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। देवघर बाबा मंदिर क्षेत्र में विज्ञापनों की होगी निगरानी। बाबा मंदिर परिसर सहित आसपास के इलाके में अब गंजी जांघिया के विज्ञापनों की होर्डिंग या बैनर नहीं लगेंगे। मंदिर क्षेत्र से अन्य उत्पादों की होर्डिंग भी हटाई जाएगी। अब किसी भी उत्पाद के प्रचार प्रसार से संबंधित विज्ञापन नगर निगम की अनुमति जरूरी होगी। इसके लिए संबंधित एजेंसी कंपनी को एक सप्ताह का समय दिया गया है। होर्डिंग नहीं हटाने वाले विज्ञापन कंपनी को झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2021 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसकी शुरुआत नगर निगम ने कर दी है। झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग में 424 पदों के लिए संशोधित विज्ञापन, जल्द दिसंबर तक 1900 बहाली का टारगेट। ग्रामीण विकास के अंतर्गत JSLP इसमें संविदा कर्मियों के 424 पदों के लिए निकाला गया विज्ञापन रद्द कर दिया गया है। JSLPS नए सिरे से जल्द विज्ञापन अपलोड कर आवेदन आमंत्रित करेगा। झारखंड के पूर्व मंत्री की जमानत याचिका पर न्यायालय ने केंद्र से मांगा जवाब। उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का की जमानत याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। धन शोधन के एक मामले में दोष साबित होने के बाद एक्का जेल में 7 साल की सजा काट रहे हैं। एक्का ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की थी कि जिस एक न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रांची में 29-30 अक्टूबर को गुलशन ग्रोवर, जॉनी लीवर जैसे अभिनेताओं का होगा जुटान। झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 29-30 अक्टूबर को रांची में आयोजित किया जाएगा। पिछले 4 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा है यह महोत्सव रेडियो खांची पत्रकारिता व जनसंचार विभाग, रांची विश्वविद्यालय एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के संयुक्त तत्वावधान में इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। आयोजन समिति के अध्यक्ष ऋषि प्रकाश मिश्र ने शनिवार को प्रेस वार्ता में बताया कि ऑड्रे हाउस में 29 और 30 अक्टूबर को 24 देशों से प्राप्त प्रविष्टियों की 152 फिल्मों में से जूरी कमेटी द्वारा चुनी गई 75 फिल्मों का निःशुल्क प्रदर्शन किया जाएगा। इसे कोविड गाइडलाइन का पालन भी किया जाएगा। गोड्डा कॉलेज में फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज। गोड्डा कॉलेज मैदान में शनिवार को 2 दिवसीय फुटबॉल लीग मैच शनिवार को शुरू हो गया है। उद्घाटन विधायक प्रदीप यादव एवं उप विकास आयुक्त चंदन कुमार ने संयुक्त रूप से खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर किक मारकर किया। मैच में कुल 12 टीमें ने भाग ले रही हैं। फाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा। उद्घाटन मैच गोड्डा स्टार फुटबॉल क्लब और बोहा बनाम ब्लू स्टार क्लब हरियाली के बीच खेला गया है। इसमें बोहा ने हरियाली टीम को 2 गोलों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों में बिरसा मुंडा क्लब कठौन, सिद्धू कानू फुटबॉल क्लब बोहा, ब्लू स्टार फुटबॉल क्लब हरियाली एवं रॉयल फुटबॉल क्लब गंगटा शामिल है। रविवार को इन टीमों के बीच मैच होगी और इसके बाद विजेता के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। झारखंड में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति, जल्द दूसरे चरण में 71,000 टीचर की बहाली। अपने घर पहुंचे जगन्नाथ महतो ने किया ऐलान। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में जल्द ही 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जबकि दूसरे चरण में 71,000 शिक्षकों की बहाली होगी। जगन्नाथ महतो शुक्रवार को बोकारो स्थित अपने पैतृक गाँव सिमरा कुल्ही में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर की लापरवाही से आधा दर्जन लोगों की गई आंखों की रोशनी, आयुष्मान भारत के तहत करवाया था ऑपरेशन। साहेबगंज के बरहवा नगर पंचायत क्षेत्र के मेन रोड स्थित झारखंड सेवा सदन में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराए गए लोगों के ऑपरेशन के बाद कथित रूप से चिकित्सक की लापरवाही के कारण आंख की रोशनी चले जाने का मामला सामने आया है।
सभी पीड़ितों ने मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन करवाया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 15 दिन पूर्व कुछ लोगों ने मोतियाबिंद की समस्या के बाद अपना ऑपरेशन झारखंड सेवा सदन में करवाया था, जिसके बाद उन लोगों की आंख की रोशनी आने की वजह और खत्म हो गई है। झारखंड राज्य बागवानी मिशन की सरकारी योजनाएं कब, कौन और कैसे उठा सकता है, इसका फायदा जानिए। झारखंड में कृषि और किसानों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं का लाभ लेकर किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। झारखंड राज्य बागवानी मिशन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में प्रमुख तौर पर सब्जियों की खेती के लिए योजनाएं शुरू की गई है। इन योजना के तहत झारखंड के किसान सब्जी और मसाले की खेती के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत मिर्चा, ओल, अदरक और फूल की खेती के लिए किसान अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। पहला झारखंड ओपन बिलियर्स स्कूनर चैंपियनशिप लातेहार में शुरू। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। जम्मू कश्मीर का युवा अब विकास की बात करता है, आतंकवाद कम हुआ, श्रीनगर में बोले अमित शाह। जम्मू कश्मीर की 3 दिन की यात्रा में श्रीनगर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की तो युवाओं को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के युवा अब विकास का बात करते हैं। 70 साल की जमहूरियत ने जम्मू कश्मीर को जो नहीं दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सब कुछ दिया। अमित शाह ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर का युवा विकास की बात करता है, आतंकवाद कम हुआ है। बिहार में पटना के बाद इस जिला में पाइप से सप्लाई होगी रसोई गैस, LPG सिलेंडर के मुकाबले कितना होगा रुपया जानिए। पटना के बाद जल्द ही मुजफ्फरपुर में पाइप लाइन के माध्यम से रसोई गैस की सप्लाई शुरू हो जाएगी। 2022 के पहली तिमाही में भी यह सेवा शहर के कुछ पॉश इलाकों में शुरू होगी। अभी शहर के मिठनपुरा, PNDT कॉलोनी, बेला रोड, मस्जिद चौक और इमली चौक आदि इलाकों में पाइप नेचुरल गैस यानी PNG की सप्लाई के लिए घरों का पाइपलाइन बिछाई जा रही है। 22,000 से ज्यादा परिवारों को 50,000 रुपए देगी यूपी सरकार, आदेश हुआ जारी। केंद्र सरकार के एक निर्णय के बाद प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना से मरे लोगों के परिजनों को 50,000 रुपया अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है। इस बारे में शनिवार को पंचायती राज व ग्राम विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने एक आदेश जारी किया है। यूपी सरकार ने कहा कि फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने का निर्णय लिया है। इससे पहले यूपी सरकार ने 2018 में फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या जिला, इलाहाबाद जिले का नाम बदलकर प्रयागराज व मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया था। चाहता हूं ईंधन की दरों की तरह आपकी उम्र भी शतक बनाए, साके जन्मदिन पर NCP सांसद। NCP सांसद अमोल कोले ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह के 97वें जन्मदिन पर ट्विटर पर वीडियो शेयर कर उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, चाहता हूं कि आपकी उम्र पेट्रोल डीजल की दरों के समान 100 के आंकड़े को पार करे। उन्होंने आगे कहा, जैसे कम समय में रसोई गैस की कीमत दोगुनी हुई है, उसी गति से आप दोहरी सफलता प्राप्त करें। उत्तराखंड के CM ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर 1 माह का वेतन CM राहत कोष में दूंगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कहा, राज्य में आई प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत मैंने अक्टूबर माह का अपना वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला लिया है। दरअसल राज्य में भारी बारिश संबंधी घटनाओं में कम से कम 75 मौतें हुई है। गौरतलब है कि राज्य सरकार मृतकों के परिजनों को 4 लाख मुआवजा देगी। भारत की ओर से ऑस्कर 2022 के लिए चुनी गई कुंजगल 13 फिल्मों को पछाड़ा। PS विनोद राज द्वारा निर्देशित फिल्म कुंजगल 94वें अकेडमी अवार्ड के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुनी गई है। 50वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम टाइगर अवार्ड जीतने वाली कुंजगल ने एकेडमिक अवार्ड में भारत की ओर से जगह बनाने के लिए सरदार उद्धम, शेरनी, मंडेला तूफान और कागज समेत 13 अन्य फिल्मों को पीछे छोड़ा है। 10 दिन बाद भी नहीं बिका धान तो एक और किसान ने फसल पर पेट्रोल डालकर लगा दी आग। यूपी के लखीमपुर खीरी में लगातार दूसरे दिन भी धान में आग लगाने की मामला सामने आया है। खीरी जिले के मैगलगंज में 10 दिनों से परेशान किसान दर्शन सिंह ढिलो ने शनिवार को मंडी में बड़ा कदम उठा लिया। 10 दिनों से मंडी में धान बेचने को लेकर परेशान किसान का सब्र टूटा तो उसने पेट्रोल डालकर मंडी में ही धान की फसल पर आग लगा दी। मंडी में मौजूद किसानों ने केंद्र प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
किसानों का आरोप था कि केंद्र प्रभारी मानक विहीन धान बता रहे हैं, जिनके चलते उनका धान 10 दिनों से मंडी में पड़ा हुआ था। BCCI के टेंडर के अनुसार IPL की दो नई टीमों को बेस किन शहरों में होने की संभावना। IPL के अगले सीजन के जुड़ रही दो नई टीमों का बेस BCCI द्वारा जारी टेंडर डॉक्यूमेंट्स के सूचीबद्ध 6 भारतीय शहरों से किन्हीं दो में होगा। ये शहर है अहमदाबाद, कटक, धर्मशाला, गुवाहाटी, इंदौर और लखनऊ। निवेशक एक से अधिक शहर के लिए बोली लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें आखिर में एक ही शहर चुनना होगा। T20 विश्व कप में स्टेडियम में फैंस के बैठने के लिए बनाए गए बॉक्स की तस्वीर हुई वायरल। T20 विश्व कप के सुपर 12 चरण में ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका मैच के दौरान शेख जायद स्टेडियम यानी अबू धाबी में दर्शकों के बैठने के लिए बनाए गए बॉक्स की तस्वीर वायरल हो गई है। बॉक्स के सोशल डिस्टेंसिंग व्यवस्था पर प्रतिक्रिया देते हुए एक फैन ने लिखा, यह बाड़े की तरह है, एक बॉक्स में 3 से अधिक लोग बैठ सकते हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।